विश्व बैंक द्वारा संचालित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। हमीरपुर में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय ने देश के बड़े राज्यों के तकनीकी विश्वविद्यालय को शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को पिछाड़ते हुए लिया है और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय को एफिलेंटिंग टेक्निकल विश्वविद्यालय यानी ATU में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमीरपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्रोफेसर बंसल ने बताया कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अकेक्षक में 66 मापदंडों में तकनीकी विश्वविद्यालय 53 में सर्वश्रेष्ठ, 12 में दूसरा और सिर्फ 1 में तीसरे स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत केवल 12 संस्थान ही आते हैं, जिसमें एक कार्यक्रम को लागू किया गया था और छोटा विश्वविद्यालय होने के बावजूद पहला स्थान प्राप्त करना गौरव की बात है। मुझे ये लगता है कि इसके लिए तो मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि देश भर में हमने, चाहे वो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे उड़ीसा की हो, चाहे बिहार की हो, छत्तीसगढ़ की हो, सबको पीछे छोड़ करके हमने प्रथम रैंकिंग जो हासिल किया है, मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय की अचीवमेंट है। क्योंकि टेक्यूब जो है वो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत जो हमारा ये प्रोग्राम चला था, उसमें हमारे पास बहुत छोटी यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी में केवल 12 एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस टेक्यूब के तहत थी। बाकी यूपी में जिसमें कह रहा था 217 कॉलेजेस उनके साथ एफिलेटेड हैं, मध्य प्रदेश में 180 कॉलेजेस एफिलेट थे, उनके पास बहुत बड़ा स्कोप था काम करने का। लेकिन हमारे पास स्कोप कम होते हुए भी फिर भी हमने टॉप में अपनी जगह बनाई है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार बधाई के पात्र है। प्रोफेसर बंसल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में परिसर में डाटा सेंटर, वेब स्टूडियो, ई लाइब्रेरी स्थापित की है, जिसके कारण संस्थान की परफॉर्मेंस में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के चौथे फेज में भी विश्वविद्यालय बेहतर प्रदर्शन करेगा, ताकि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नए आयाम तक पहुँचाया जा सके। टेक्यूब के तहत हमने कुछ इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के, हमने ई लाइब्रेरी के तहत जो लॉकडाउन में या अन्यथा जो हमने ऑनलाइन क्लासेस को LMS के द्वारा चलाया, या फिर हमने यहाँ पर एक वेब स्टूडियो खोला या डाटा सेंटर का किया, या फिर और हमने जो इनोवेशंस को लेकर के हमारा विश्वविद्यालय पूरे देश में प्रथम विश्वविद्यालय कई चीज़ों में बना है, मुझे लगता है कि वो इस टेक्यूब के कारण ही हम कर पाए हैं। और आगे भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो टेक्यूब स्टेज 4 में प्रोजेक्ट आने वाला है वो लंबे समय के लिए होगा, 20-25 साल के लिए होगा। उसमें अब हमारा जो है प्रबल दावेदारी बन जाती है कि हम, क्योंकि प्रथम आए, अगला प्रोजेक्ट भी हमें अवश्य है। प्रोफेसर बंसल ने बताया कि राज्यपाल हिमाचल प्रदेश ने उन्हें दूरभाष पर इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है और आगे भी विश्वविद्यालय में शिक्षा में और अधिक सुधार लाने पर बल देने की बात कही। राज्यपाल महोदय का मुझे अभी फोन आया था और राज्यपाल जी ने इसमें बहुत खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हमें, क्योंकि छोटा विश्वविद्यालय है, हालांकि राज्यपाल महोदय ने मुझे अभी कुछ दिन पहले एक एप्रिसिएशन लेटर भी दिया है अच्छा काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो सारा काम हुआ है वो उन्हीं के मार्गदर्शन में, पीछे जैसे जैसे जो मेरी बात हुई, या मुख्यमंत्री जी हों या तकनीकी शिक्षा मंत्री हों, उनके मार्गदर्शन में जैसे जैसे उन्होंने सुझाव दिए उनको सुझावों का भी इम्प्लीमेंट किया। और जहाँ तक राज्यपाल महोदय की बात है, वो हर महीने लगभग हमारी मीटिंग लेते हैं और जो सुझाव उन्होंने दिए उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया, और यही कारण है कि आज हम अव्वल स्थान पर पहुँच पाए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये प्रयास केवल मेरा अकेले का प्रयास नहीं है, ये हमारी पूरी टीम, जैसे प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल जो हैं वो टेक्यूब कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, को एडवाइज़र हैं, इस तरह से बाकी टीम्स हैं, सभी के एफर्ट से रात दिन काम हुआ है। मैं एक और सूचना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारी मेंटर यूनिवर्सिटी थी, हमारी मेंटर जो यूनिवर्सिटी थी वो बाटू जो है लॉन्ड्रे महाराष्ट्र की थी, यानी कि हमारे को एक मेंटर यूनिवर्सिटी दी थी कि वो
वो हमारी गाइडलाइन देंगे, गाइडेंस करेंगे। उन्होंने गाइडेंस की, वो खुद भी उनके पास टेक्यूब था, उनका स्कोर 1.78 है, हमारा 1.22, यानी कि बहुत बड़ा गैप है, उससे भी हम बहुत आगे निकले। मुझे खुशी है कि हम कई मेंटल इंस्टीट्यूट से आगे निकले। गौरतलब है कि भारत में राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई की देखरेख में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता और सुधार कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें 16 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा में सुधार व गुणवत्ता लाने के लिए खर्च किया।